मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव 2023 की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। कुल 39 सीटों पर लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि ये 39 सीटें वो सीटें हैं जिस पे कांग्रेस काबिज थी। जी हाँ, कांग्रेस जिन सीटों पर काबिज थी उन 39 सीटों के टिकट जो है वो बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व महापौर आलोक शर्मा को भोपाल से और ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दे दिया गया है। सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत, सुमावली से एंदल सिंह कंसाना, गोहद से लाल सिंह आर्य, पिछोड़ से प्रीतम सिंह लोधी, चाचौड़ा से प्रियंका मीणा, चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, बंडा से वीरेंद्र सिंह लांबरदार, महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह, छतरपुर से ललिता यादव। आपको बता दें कि ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस काबिज थी। ये बड़ी खबर है। पथरिया से लखन पटेल, गुन्नौर से राजेश कुमार वर्मा, चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार, पुष्प राजगढ़ से हीर सिंह शाह और बड़वारा से धीरेन्द्र सिंह, बरगी से नीरज ठाकुर, जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर, शाहपुरा से ओम प्रकाश धुर्वे, बिछिया से डॉक्टर विजय आनंद मरावी। बड़ी खबर है, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये वो लिस्ट है जहां पर कांग्रेस काबिज थी अभी तक, और 2023 में अब बीजेपी की ओर से ये सब चुनाव लड़ेंगे। बहर से भगत सिंह नेताम, लांजी से राजकुमार करने और बरघाट से कमल मास्कोरले और गोटे गांव से महेंद्र नागेश, सौसर से नाना भाव मोहट और पुढरना से प्रकाश उइके, मुल्ताई से चंद्रशेखर देशमुख, भैंसदेही से महेंद्र सिंह चौहान, भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा, बता दें ये पूर्व महापौर हैं, और भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह, ये पूर्व विधायक हैं, सोनकक्ष से राजेश सोनकर, महेश्वर से राजकुमार मेव, कसरावत से आत्माराम पटेल, अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान, झाबुआ से भानु भूरिया, पेटलावाद से निर्मला भूरिया, कुची से जयदीप पटेल, धर्मपुरी से कालू सिंह ठाकुर, राव से मधु वर्मा, तराना से ताराचंद गोयल, घाटिया से सतीश मालवीय को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 39 नामों की जारी कर दी है। ये वे सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के काबिज थी, और अब बीजेपी ने अपने उन 39 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कल ही बीजेपी ने दिल्ली में एक बैठक की, उसके बाद से ये नाम जारी कर दिए गए। राज्य में कुल 230 सीटों पर चुनाव होना है, और बीजेपी ने अपनी पहली 39 नामों के उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है।